हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है नीट पीजी 2019 का। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि 38 इयर्स प्रेग्नेंट लेडी, क्वाइट एल्डरली ग्रेविडा फॉर प्रेगनेंसी, ओके, मल्टीपैरस वूमेन, ओके, इज प्रेजेंटिंग विद रिकरेंट वेजाइनल ब्लीड। ऑन सीइंग द रिपोर्ट्स She was having placenta previa. Okay. What is the type of the placenta previa in the image? Okay. Now they are asking what is the type of placenta previa. You all know placenta previa means the placenta is in the lower part of the uterus. Okay. So there are four types of placenta previa. Okay. Type one is when it is in the lower part of the placenta previa but quite away from os. How much away from os? It is almost more than 2 centimeters away from the os. Okay. And what is type 2? Type 2 is also known as marginal placenta previa. It is just touching the os. Marginal placenta previa means marginal to os. Okay. Type 3 is partial placenta previa. ठीक है, partial placenta previa. Partially covering the os. And type 4 is completely covering the os. Okay. Now let's see what is the os. See, this is the internal os, right? So you can see it is just slightly touching the os. So answer to this question is marginal placenta previa or type 2. Okay, let's see the another question. Another question is identify the placental abnormality. Ye kaun si placental abnormality hai? पहला ऑप्शन है, इन्होंने दिया है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जिसमें प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में होता है, तो इसमें है प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में और ये ऑस को कम्प्लीटली कवर कर रहा है। अगर ये पूछते कि कौन से टाइप का है तो हम बोलते टाइप 4, बट इन्होंने नहीं पूछा तो हम नहीं बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अब्रप्शन प्लेसेंटा। अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में या प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स के बीच में एक क्लॉट होता है। ठीक है, एक रेड कलर का होता है ना क्लॉट, तो उसकी इमेज कैसे होगी? इस तरह से पीछे क्लॉट पड़ा होगा, इस तरीके से। ऐसी इमेज तो नहीं है, यहाँ तो कोई भी क्लॉट नहीं पड़ा, तो अब्रप्शन प्लेसेंटा नहीं हो सकता इसका आंसर। प्लेसेंटा एक्रीटा में जो प्लेसेंटा है वो मायोमेट्रियम तक चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए मायोमेट्रियम, तो ये रही दूर। ठीक है, जूम करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। वाजा प्रीविया। वाजा प्रीविया में क्या होता है कि वेसल्स नीचे होती हैं, ना कि प्लेसेंटा। तो यहाँ पे तो वेसल्स नीचे नहीं है, वेसल तो ये रही ऊपर, यहाँ पे तो प्लेसेंटा है लोअर पार्ट में। तो दिस इज द केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, चलिए अब प्लेसेंटा प्रीविया को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया का मतलब होता है लोअर पार्ट में और प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि प्लेसेंटा लोअर पार्ट में है। तो अपर पार्ट में कौन होता है? बाकी सब कुछ प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो प्लेसेंटा लोअर पार्ट में है। अब उसे लोअर पार्ट कह लो या लोअर सेगमेंट कह लो, आप सबको पता है कि प्लेसेंटा जो है, सॉरी, यूट्रस का जो लोअर पार्ट है वो इस्थमस बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक वर्ड है माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। वो क्या होता है? जब यूट्रस का साइज छोटा होता है तब प्लेसेंटा भी छोटा होता है। तो ऐसा लग
हर प्लेसेंटा स्टार्टिंग में लगता है कि लोअर पार्ट में है, धीरे धीरे जैसे यूट्रस का साइज बड़ा होता है तो प्लेसेंटा जो है अपनी ओरिजिनल जगह उसकी पता चलती है और हमें ऐसे लगता है प्लेसेंटा माइग्रेट कर गया, पर वास्तव में वो माइग्रेट नहीं किया होता, यूट्रस बड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देर इज नो माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होता है वैसे वैसे जो प्लेसेंटा जो है ऊपर होता जाता है, क्योंकि यूट्रस के सेल्स बनते जाते हैं, सारी उसकी चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे अब्रप्शन में हमने पढ़ा था, मोस्ट कॉमन इसका रिस्क फैक्टर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीवियस। ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन हिस्ट्री है एनी स्कार ऑन द यूट्रस। जब भी कोई स्कार होगा यूट्रस पे तो वो क्या करेगा, वो जो है उस कंडीशन में वो स्कार जो है वो प्लेसेंटा को, स्कार जहाँ होता है वहाँ पे थोड़े एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं तो वो प्लेसेंटा को चिपका लेंगे। ठीक है, जो प्लेसेंटा यूट्रस के ग्रोथ के साथ साथ प्लेसेंटा ग्रो हो रहा था और प्लेसेंटा जो है ऊपर जा रहा था वो नहीं जाएगा, स्कार के नीचे वाला टिश्यू ग्रो ही नहीं होगा। तो चाहे हिस्टरेक्टॉमी का स्कार है, चाहे सिजेरियन का स्कार है, कोई भी स्कार है, तो हर केस में जो है प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाएगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डीएनसी की हुई है उस केस में भी एबनॉर्मल स्कारिंग हो जाती है यूट्रस में। ठीक है, लार्ज प्लेसेंटा है, अगर लार्ज प्लेसेंटा किस में होता है, ट्विन्स में होता है, तो अब छोटा सा यूट्रस है, लार्ज सारा लार्ज प्लेसेंटा अगर बनेगा तो उसको लोअर पार्ट में आना ही पड़ेगा। ठीक है, एल्डरली एंड मल्टी ग्रेविडा, अब यूट्रस ही अगर वीक हो गया तो प्लेसेंटा, यूट्रस की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो प्लेसेंटा तो नीचे रह ही जाएगा। ठीक है, तो जो हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा था उसमें उन्होंने एल्डरली और मल्टी ग्रेविडा दोनों कहा था, दिखाऊं मैं आपको, ये रहा 38 ईयर्स एल्डरली मल्टी पैरस वूमेन, राइट, ओके। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, सबसे पहले तो वो लेडी की बिल्ड कैसे होगी, शी विल बी एल्डरली मल्टी ग्रेविडा, देन या उसकी हमने हिस्ट्री पूछनी है, आपका कोई यूट्रस पे कोई स्कार वाला ऑपरेशन तो नहीं हुआ, सिजेरियन, हिस्ट्रॉक्टमी, मायमेक्टमी, ये सब पूछना है। फिर हमने पूछना है कि आपको पिछली बार कोई प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीवियर तो नहीं था, पिछली बार तो हिस्ट्री नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से, और लार्ज प्लेसेंटा होने के रीजंस रूल आउट करने हैं। ठीक है, ओके, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया कि क्लासिफिकेशन इसकी क्या थी, फिर से बता देती हूँ, टाइप वन का मतलब है प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में है लेकिन ऑस से 2 सेंटीमीटर दूर है, प्लस टाइप टू होता है मार्जिनल टू ऑस को जस्ट मार्जिनली टच कर रहा है, टाइप थ्री होता है पार्शियल मतलब ऑस को पार्शली कवर कर रहा है, टाइप फोर होता है कंप्लीट यानी ऑस को कंप्लीटली कवर कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके डायग्राम्स, क्योंकि दो बार डायग्राम्स आ चुके हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कोई और टाइप पूछ ले। तो ये देखिए, ये है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, ऑस पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है, देखो मोर देन 50% अगर ऑस कवर हो रही है तो इट इज पार्शियल, देख रहे हो राइट, अगर लेस देन 50% कवर हो रही है ऑस देन इट इज मार्जिनल, और बिल्कुल भी ऑस कवर नहीं हो रही, लोअर सेगमेंट में है, ये देखो यहाँ पे, तो देन इट इज लो लाइंग प्लेसेंटा। ठीक है, ये तो है थोड़ी पुरानी क्लासिफिकेशन, अब की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक तो ये है लो लाइंग प्लेसेंटा और दूसरा है ये, इन सबको एक ही टाइप कर दिया उन्होंने। ठीक है, समझ में आ गई, लो लाइंग प्लेसेंटा और इनको नेक्स्ट टाइप कर दिया है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इनको इसको बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा को तो लो लाइंग प्लेसेंटा ही बोलते हैं
और इन तीनों को बोल देते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये नई क्लासिफिकेशन है, क्योंकि देखो आपको अभी नए जमाने का क्वेश्चन ही आया था, क्या है ये प्लेसेंटा प्रीविया, उन्होंने नहीं बोला टाइप फोर या क्या। तो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो नई क्लासिफिकेशन पे आएंगे, तो नई क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये लो लाएंगे और ये तीनों जो है प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। सिम्टम्स सबसे पहले तो ये अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। ठीक है, आप सबको पता है हम अपने एंटीनेटल पेशेंट्स का रूटीनली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें पता चल जाता है। और अगर दो तरह का प्लेसेंटा प्रीविया होता है, वो प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, और वो प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें ब्लीडिंग हुई। ठीक है, तो अगर इसमें ब्लीडिंग होएगी, ज़रूरी नहीं है हर प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग हो, अगर अल्ट्रासाउंड इमेज पे आ गया कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, राइट, वो विदाउट ब्लीडिंग वाला केस है। अगर इस पेशेंट में ब्लीडिंग होएगी, एंटीपार्टम हेमरेज होएगी, तो वो पेनलेस होगी, ना कि पेनफुल अब्रप्शियो की तरह। बट अब्रप्शियो में पेनफुल ब्लीडिंग होती थी, उसमें प्लेसेंटा सेपरेट करता था, मसल में ब्लड जाता था तो पेन होता था। इसमें जो है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, चलिए इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं इसमें। हम अल्ट्रासाउंड उनसे पता लगाते हैं। ठीक है, इस पेशेंट में हमने कभी भी पीवी नहीं करनी। देखो हमारे पास जब भी एंटीपार्टम हेमरेज का पेशेंट आएगा, ठीक है, तो हम पीए दोनों पेशेंट्स में कर सकते हैं। पीए करके हम देख लेंगे कि ये पेशेंट जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया का है कि अब्रप्शियो का है। अब मान लो पीए पे हमें सॉफ्ट लगा, मतलब वो प्रीविया है, अब उसके पास कोई स्कैन नहीं है, हमने अब रूल आउट करना है कि ये जो है हमारी प्रीविया वाली फाइंडिंग को हमने सपोर्ट करना है, तो वो हम अल्ट्रासाउंड से ही करेंगे। तो जब भी हमारे पास एंटीपार्टम हेमरेज का कोई पेशेंट आएगा, तो उस पेशेंट को हम, उस पेशेंट की डायग्नोसिस को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, वो हम अल्ट्रासाउंड से सपोर्ट करेंगे। जब सॉफ्ट पीए है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड से सपोर्ट करेंगे। 101% अल्ट्रासाउंड से हमें कंफर्म हो जाता है कि प्रीविया है कि नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पीवी इस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि पीवी से जो है ब्लीडिंग बढ़ती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कोई भी ब्लीडिंग वाला पेशेंट आए, चाहे वो अब्रप्शियो है चाहे वो प्रीविया है, अनलेस एंड अनटिल यू रूल आउट कि ये प्रीविया नहीं है बाय द प्रीवियस अल्ट्रासाउंड और बाय द न्यू अल्ट्रासाउंड, यू आर नेवर गोइंग टू डू पीवी, ओके, बिकॉज पीवी विल क्रिएट अ हेल टू द पेशेंट, ओके ओके। हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट। इस पेशेंट में एक अब्रप्शियो में हमें डर था ना कि DIC ना हो जाए, इस पेशेंट में हमें कोई डर नहीं होता कि DIC का। तो इस पेशेंट में अगर हमारे 37 वीक्स पूरे नहीं हुए हैं, तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादातर अगर एक बार प्रीविया में ब्लीडिंग होती है तो वो रुक जाती है, ठीक है। आप उस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो हम प्रीविया में करते हैं ब्लीडिंग वाले पेशेंट में, तो वो हम कब करेंगे, अगर जो है लेस देन 37 वीक्स है, ठीक है। और वो जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं जॉनसन एंड मैककैफे, जॉनसन एंड मैककैफे। उसके अंदर हम सिडेटिव देते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं और बिटामिथासोन देते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं नहीं बोला टोकोलाइसिस, हम टोकोलाइसिस कभी भी ब्लीडिंग वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, चाहे वो अब्रप्शियो हो चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया विद ब्लीडिंग हो, ठीक है। पर
प्लेसेंटा प्रीविया विदाउट क्लीनिंग वाले को हम टोकोलिसिस दे सकते हैं अगर उसको लेबर पेंस हैं, ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया विद ब्लीडिंग वाले पेशेंट को, तो ये आप कंसेप्ट बना लोगे कि विद ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स को हमने कभी भी टोकोलिसिस नहीं देना, ठीक है। जॉनसन मैकेफेरिजिमन में हम जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है प्लेसेंटा प्रीविया को, जब पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं अगर लेस देन 37 वीक्स है और बहुत बार ब्लीडिंग रुक जाती है, तो उसमें हम सेडेटिव्स देते हैं, हम बीटामिथासोन देते हैं और उसको हम बेड रेस्ट करवाते हैं, लेकिन टोकोलिसिस नहीं करते। सबसे पहली बात, नंबर दूसरी बात, अगर ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम तभी करते हैं जब माँ और बच्चा स्टेबल हैं। माँ कब स्टेबल नहीं होगी? जब बहुत लंबी देर से ब्लीडिंग चल रही है, नहीं रुक रही, तो मदर के वाइटल्स डीरेंज हो जाएंगे, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ जो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है उसके लिए हमें ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मदर के वाइटल्स डीरेंज हो रहे हैं तब कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने की। अगर बच्चे के वाइटल्स भी डीरेंज हो रहे हैं, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस है या बच्चा जो है आईयूडी हो गया है या बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमली है, किसी भी कंडीशन में अगर हमें हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है और हमें जो है उस बच्चे को या तो हमें टाइम नहीं चाहिए, वो 37 वीक्स से पहले जो प्री मेच्योरिटी वाला टाइम है वो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर कोई बच्चे को कंजेनाइटल एनोमली है तो हमारे लिए क्यों वो टाइम इम्पॉर्टेंट होगा? नहीं होगा वो टाइम इम्पॉर्टेंट, है ना, हमने तो निकालना ही, हम तो ये जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है ये हम प्री मेच्योरिटी को अवॉइड करने के लिए करते हैं ताकि बीटामिथासोन्स लग जाएं और पेशेंट ठीक हो और बच्चा मेच्योर हो जाए, तो हम इसमें कर सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर हमें बच्चा चाहिए ही नहीं, वो बच्चा ख़राब है या बच्चा आईयूडी है या बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो फीटल डिस्ट्रेस में तो बच्चा वैसे ही एक्सपायर कर जाएगा, तो बेटर है कि अभी निकाल लो, ओके। सो मैकेफे रेजिमेन हमने तभी करना है जब मदर और बच्चा दोनों स्टेबल हैं। एक ये बड़ा फैंसी सा नेम है, स्टेलवर्दी साइन। अब ये आजकल तो वैसे बहुत कम कर दिए हैं बट फिर भी आ सकता है क्योंकि पिछले बार आपके FMG में क्वेश्चन आया था इसका। स्टेलवर्दी साइन का मतलब होता है कि जब हेड तो बच्चे का प्रेस होता है लोअर सेगमेंट में, अगर लोअर सेगमेंट में बच्चे का हेड जाता है क्योंकि वहाँ पे प्लेसेंटा है, तो वहाँ पे फिर उसको फीटल डिस्ट्रेस होता है। प्लेसेंटा तो ब्लीड करेगा ही जब लोअर सेगमेंट में बच्चे का हेड जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट को, पर अगर प्लेसेंटा कंप्लीट है, बिल्कुल वहीं पे प्लेसेंटा है जहाँ उसका हेड जा रहा है, तो वहाँ उस बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होगा क्योंकि प्लेसेंटा भी कंप्रेस होगा। इसको बोलते हैं स्टेलवर्दी साइन, ठीक है। डिक्रीज ऑफ द फीटल हार्ट रेट विद द बाय द हेड ऑफ द व्हेन द हेड ऑफ द फीटस इज प्रेसिंग द प्लेसेंटा। व्हाट इज स्टेलवर्दी साइन? डिक्रीज ऑफ द फीटल हार्ट रेट व्हेन द हेड ऑफ द प्लेसेंटा इज प्रेसिंग द प्लेसेंटा। सो ये सिर्फ जो है कंप्लीट प्लेसेंटा, पार्शियल प्लेसेंटा या टाइप टू पोस्टीरियर में ही होता है। टाइप टू पोस्टीरियर के बाद, टाइप टू पोस्टीरियर और टाइप थ्री, टाइप फोर, उनमें ही ये साइन आता है। तो जो पहले एक वाले फोर टाइप्स थे उनमें से सबसे डेंजरस टाइप टू पोस्टीरियर होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड थी कि टोकोलिटिक्स नॉन ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में हम दे सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो में हम नहीं दे सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्रैक्टिस द MCQs फ्रॉम द माई टेलीग्राम चैनल @dr.ranobg। थैंक यू।